नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को, पर मैं हूं अभी साहेबगंज से अमन कुमार। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहें या एनडीए इंडिया महागठबंधन कहें, जिसके प्रत्याशी राजमहल लोकसभा से विजय कुमार हांसदा, जो पूर्व में भी सांसद हैं, आज वो राजमहल लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे, जिसे लेकर आज ये साहेबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में जनसभा की तैयारी को लेकर यहाँ पीछे हमारे पीछे मंच है, मंच को सजाया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में सूबे की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित झारखंड के सत्तारूढ़ दल के कई नेता इस नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी यहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस व इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां जोर शोर से चल रहा है। हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से पंडाल बनाया गया है, और चेयर भी लगा दिया गया है, कार्यकर्ताओं का भी आना शुरू हो चुका है। राजमहल लोकसभा के जितने भी 6 विधानसभा हैं, राजमहल, बोरियो, बरहेट, पाकुर, हिरनपुर, महेशपुर के सभी विधानसभा से कार्यकर्ताओं का भी जुटान शुरू हो चुका है। और यहाँ से सर्वप्रथम साहेबगंज नगर में रैली निकाली जाएगी, और रैली निकालते हुए यहाँ के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार हांसदा, वो संभाले जाएंगे। और राजमहल निर्वाची पदाधिकारी जो हैं हेमंत सती, उनके समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, और जिसके बाद सभा को यहाँ संबोधित करेंगे। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अपने निजी चौपर से साहेबगंज पहुँचेंगे, और साहेबगंज पहुँचने के बाद मंच में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम आइए, और कई कार्यकर्ता हैं, कई झामुमो के व कांग्रेस के या आला अधिकारी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के व अन्य जितने भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। आइए हम चलते हैं। हर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का जुटान यहाँ शुरू हो चुका है। हर राजमहल लोकसभा के जितने भी विधानसभा हैं, 6 विधानसभा, पाकुर, महेशपुर, लिट्टीपारा, बरहेट, राजमहल सहित जितने भी राजमहल लोकसभा के सभी गांव से कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो चुका है। विजय हांसदा के नामांकन रैली को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबूलाल मरांडी जी पहुंच चुके हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज नामांकन रैली है विजय हांसदा जी का, किस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं के बीच में है, कैसा जोश देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच? जबरदस्त जोश है, और आज रिकॉर्ड जन सैलाब उमड़ेगा। हमको लगता है कि आज खाली हरा हरा नजर आएगा। क्या इस बार राजमहल लोकसभा की जीत दर्ज होगी? निश्चित रूप से 110%।